सूखबर केन्द्र सरकार कर्मचारी मरगिया बानस बृद्धि चार शतांश मरगिया बानस बृद्धिर सिद्धांत मोदी केबिनेटर चार शतांश बृद्धिर फलत मरगिया बानस बृद्धि हल पंचाश शतांश बसर एक जानुवारीर कार्यकरी हम यह सिद्धांत देशर प्राय पंचाश लाख केन्द्र सरकार कर्मचारी हम उपकृत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो दे डीएनएस अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डीएनएस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में पहली जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। पहली जनवरी 24 से 4% की वृद्धि से देश भर में बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉयज हैं और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स हैं, इन सबको इसका लाभ होगा और इसका वे लगभग 12,868 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के ऊपर रहेगा। इफाले उज्ज्वला आँचनिर अधीनत रंधन गेसर सिलिंडार व्यवहार कर महिलासकलर बाबे सुखबर प्रतिटो रंधन गेसर सिलिंडार 300 टका राज सहाय्य सिद्धांत पुनर एबसरले बृद्धि करा आछे बसरत 12टा सिलिंडार कार्यकरी हब ई सहाय्य मोदी केबिनेटत लुवा हल एया एक गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत। प्रधान कैबिनेट ने निर्णय लिया कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष हमारी माता बहनों को तोहफे के रूप में जो 300 रुपए टारगेटेड सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी, उसको एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए और अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर हर वर्ष 12 सिलेंडर तक की सीमा तक हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक यानी एक साल की अवधि बढ़ाते हुए लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ये लाभ मिलेगा। आनते उन्नति आँचनि अधीनत उत्तर पूब उद्योगीकरण केन्द्र सरकार 10,237 कोटी टकार अनुमोदन जानाइछे 2,436 कोटी टकार अनुमोदन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। इन आठों राज्यों के लिए उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने के लिए उन्नति 2024 योजना को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम सर्विसेज सेक्टर को भी जोड़ते हुए 10,000 करोड़ से अधिक इंडस्ट्री को प्रोत्साहन के रूप में मिलेगा, जिसमें आसाम को 2,434 करोड़ रुपए, अरुणाचल प्रदेश को 908 करोड़ रुपए, मणिपुर में 334 करोड़ रुपए, मेघालय में 645 करोड़ रुपए, कुल 6,000 करोड़ स्पेसिफिक एलोकेशन की गई है इन सब राज्यों की और बाकी जो 4,000 करोड़ है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इन सभी राज्यों में उपलब्ध रहेगी।